कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर एक बार फिर हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है। अटकलें तेज हो गई हैं कि 2024 में भी इस सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि AICC की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरी स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। भाजपा ने एक बार फिर ईरानी को ही अमेठी सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से सीट पर उम्मीदवारी को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है। 2019 में यहां से ईरानी ने राहुल को 55,120 मतों से हरा दिया था। समाचार एजेंसी PTI भाषा के अनुसार अमेठी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि पार्टी नेता राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद लौटे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बुधवार को बताया कि राहुल गांधी ही अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे, जिसकी घोषणा शीघ्र हो जाएगी। सिंघल ने बताया कि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है, कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी 2002 से 2019 तक अमेठी से सांसद रहे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। भाजपा ने बीते शनिवार को ही 195 नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। रायबरेली को भी कांग्रेस और खासतौर से गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। साल 2004 से यहां कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव जीती रही हैं। हालांकि इस बार उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा जाने का फैसला किया है। उन्होंने अमेठी की जनता के नाम पत्र भी लिखा था, जिसमें उम्मीदवार गांधी परिवार का ही होने के संकेत दिए थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी डेब्यू कर सकती हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।